हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सिक्स इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपके बेटा। पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आपका चैप्टर 1, 2, 3 सिलेबस दिया था मैंने। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए और मैंने इन सबकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करा दी हैं। और एग्ज़ाम पीरियड से पहले मैं शॉर्टिंग मटेरियल्स पे थी, जो आपका लेसन 5 है। शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर 5 चैप्टर के पहले एक बार आपको लेसन 1, 2, 3 का आपको क्वेश्चन आंसर तो हो ही चुका है। अब लेसन 4 का और करा देते हैं, ताकि चैप्टर 5 से फिर आपका कंसीडर करें, चैप्टर 5 आपका लेसन ले। तो आपका चैप्टर 4 पहले लेते हैं, लेसन 4 का एक्सरसाइज आज शुरू करते हैं। एक बार लेसन 4 की भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, देन कंटिन्यू रखेंगे अपन लेसन 5 से। देन चलिए अब लेसन 4 की बात करते हैं। लेसन 4 में आपको कितना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट पिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट ए पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। Cotton is a bag, animal fiber and then the lock, and next have been plant fiber. And C part synthetic fiber, फिर एक ब्लॉक बना लेंगे। And then D part artificial fiber. इसमें सेकेंड ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फाइबर। फर्स्ट है वूल, बी है सिल्क, सी है कॉटन एंड डी है आपका नायलॉन। थर्ड आपका फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, इज ए सिंथेटिक फाइबर। थर्ड ऑप्शन के अंदर ए पार्ट है आपका जूट, एंड ऑप्शन बी है लाइनिंग, एंड देन नेक्स्ट
रिपोर्ट है। ये आपका फोर्थ है। Which of the following fibers absorbs more water? Which of the following fibers absorb more water? Then first A, silk. B, फिर B है लिनन, फिर आपका कॉलम C है जूट, लिनन नेक्स्ट, एंड D है नायलॉन, एंड देन नेक्स्ट। फिर आप बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑब्टेन from the stems of the plant. And the options next आपके मैं लिखूंगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए तो एक बार देखिए। कॉटन इज ए एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर? तो आपका यहाँ पे जवाब होगा प्लांट फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फाइबर? वूल, सिल्क, कॉटन, नायलॉन। इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट फाइबर, देन इसमें आपका कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर? तो सूट आपका जूट है, लिनेन नायलॉन एंड कॉटन। इसमें लिनेन या जूट या कॉटन तो आपका प्लांट फाइबर है, नायलॉन आपका सिंथेटिक है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स एब्जॉर्ब मोर वाटर? इसमें से कौन सा फाइबर एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर? देन सिल्क, वूल, जूट एंड नायलॉन। तो इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जूट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ ए प्लांट? तो आपका नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका टिक पे था, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कॉटन इज ए एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। देन राइट आंसर इज प्लांट फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट फाइबर? तो इसमें आपको देना है वूल, सिल्क, कॉटन, नायलॉन। एंड विच ऑप्शन इज राइट? देन कॉटन। कॉटन इज ए प्लांट फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर? देन जूट, लिनन एंड नायलॉन एंड कॉटन। सिंथेटिक फाइबर राइट ऑप्शन इज नायलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स एब्जॉर्ब मोर वाटर? देन फर्स्ट ऑप्शन सिल्क, सेकेंड ऑप्शन वूल, थर्ड जूट एंड फोर्थ नायलॉन। देन एब्जॉर्बेशन मोर वाटर देन फाइबर नेम इज जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ ए प्लांट? तो इसके ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन के आपको आंसर। इसमें आपके ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ ए प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन है वूल, बी है जूट, सी
ही है क्वायर। डी है सिर। एंड देन बी पार्ट, बी पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स Then fifth question is which of the following fibers is obtained from the stems of a plant? Then first option wool, second option jute, third option coir and fourth option silk। जो आपके फाइबर ऑप्टेन करता है स्टेम, प्लांट के स्टेम से, वो है जूट। देन द राइट ऑप्शन इज जूट। देन वूल, जूट, क्वायर, सिल्क में आपका ऑप्शन राइट है, इसमें जूट। एंड देन फिल्स आपका नेक्स्ट आपका है, इसमें आपने इसके बाद आपका नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ऑप्शन the process of arranging two sets of yarns to produce a fabric is called second option, the process of immersing the bundles of jute stems in water is called and third question wounds which are run by machine are called fifth fourth cotton plant grows well in and fifth the process of making yarn from fibers is called अब एक बार आपको फिर से बता दूं मैं। सेकंड आपका ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड आपके क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट है, फर्स्ट है इसका ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक इज कॉल्ड, यहाँ पर आप देंगे आंसर वीविंग।
नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग द बंडल्स ऑफ जूट स्टेम इन वाटर इज कॉल्ड, यहाँ पर आप देंगे रैटिंग। आफ्टर इसमें आप दे सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग द बंडल्स ऑफ जूट स्टेम इन द वाटर इज कॉल्ड रैटिंग, देन द राइट ऑप्शन इज रैटिंग। ठीक है, एंड लूम्स विच आर रन बाई मशीन आर कॉल्ड, इसमें आप देख सकते हैं पावर लूम, ये आपका लूम्स विच आर रन बाई मशीन, तो इसमें यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। मशीन में आपको पूछा है कि किस तरीके से आप मशीन को बोल सकते हैं, यानी ड्यूरेबल, तो प्रोसेस आपका फैक्ट्रीज कॉटन एंड डिजीज यानी वूवन टू कॉटन फैब्रिक एंड टॉवल्स, तो चीपेस्ट देन लूम्स, यहाँ पर आप लूम्स के बारे में अगर पूछा है तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि पावर लूम्स, देन द राइट आंसर इज पावर लूम, पावर लूम्स। ठीक है, एंड कॉटन प्लांट ग्रोज वेल इन, कॉटन प्लांट्स ग्रो कहाँ करते हैं अच्छा, तो ये आप दे सकते हैं ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, तो आपका राइट आंसर है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, द राइट आंसर इज स्पिनिंग, स्पिनिंग। तो इस तरीके से बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, तो इसमें आप ये चीज़ बता सकते हैं पावर लूम्स में मशीन का और मैनुअली एंड लूम्स रन इलेक्ट्रिसिटी, द लूम देन नेचुरली कॉल्ड लूम्स एंड रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन कॉल्ड पावर लूम्स। तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो एक बार ये देख लें। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग द बंडल्स ऑफ जूट स्टेम इन वाटर इज कॉल्ड रैटिंग, लूम्स विच आर रन बाई मशीन आर कॉल्ड पावर लूम्स, एंड कॉटन प्लांट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल, यहाँ पर आप लेंगे ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छा ग्रो करता है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, देन द राइट ऑप्शन इज स्पिनिंग। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ चैप्टर का मैंने जो स्टार्ट किया ए पार्ट एंड बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट इसके बाद का सेशन जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो ठीक, ओके बाय।